ये गाना एक्चुअली फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे आता है, जहाँ पे दोनों भाइयों की केमिस्ट्री पता चल रही है। जैसे आपने गाना देखा है कि दोनों भाई डेली कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कैसे खाना खाते हैं साथ में, कैसे घूमते हैं, कैसे फ़न और मस्ती करते हैं। दोनों के कैरेक्टर्स इतने एक दूसरे से डिफरेंट होने के बाद भी जब हम गाना देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना मज़ा आ रहा है देख कर। और बहुत सालों बाद आई थिंक आज दो भाइयों की कहानी को लेकर एक फ़िल्म बनाई जा रही है, दो भाइयों पर फोकस किया जा रहा है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च किया, और जब मुझे नरेशन दिया कबीर सर ने फिल्म के बारे में, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दो भाइयों के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मेरे हिसाब से हमेशा दो भाइयों का जो भाई भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहा। लोगों को लगता है बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, या बहनें अपने भाई को बहुत प्यार करती है, या भाई अपने बहन को बहुत प्यार, लेकिन एक भाई भी अपने भाई को उतना ही प्यार करता है। ये बहुत सेंसिटिव सी कड़ी थी जो कबीर सर ने जोड़ दी। और तो जब मुझे बताया गया फिल्म के बारे में, तो मैंने स्क्रिप्ट ली, स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मैं दो तीन जगह पर रोने भी लगी हूँ, मेरी आंखें भर गई थी कि आई एम श्योर पीपल विल लव इट व्हेन दिल सी द फिल्म। तो उसके बाद मेरा रिसर्च ये था कि एक्चुअली मेरे पांच भाई बहन हैं, और मेरा छोटा भाई शोजिल मेरा एसोसिएट हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा एसोसिएट है, कोरियोग्राफर असिस्टेंट है। तो हम दोनों ने बैठकर हमने अपनी दोनों की स्टोरी बना दी, हम दोनों ने अपने आप को उनके कैरेक्टर में डाल दिया। रेसल हॉल के अंदर हम दोनों ही साथ में करते रहे कि यू नो इफ़ ही इज़ माई यंगर ब्रदर व्हाट वुड आई लाइक टू डू, गाल पे हाथ लगाने वाला स्टेप आ गया, पीछे से जाके हक करना हो, वो अगर कुछ अगर वो अच्छा डांस करता है मेरा भाई तो मैं उसको कितने प्यार से देखती हूँ। तो ये जो हम दोनों भाई बहन के बीच की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने जोड़कर, अपनी कोरियोग्राफी जोड़कर, और सलमान सर और सोहेल सर क्योंकि दोनों भाई हैं तो मुझे पता था वो दोनों भाइयों के बीच में भी छोटी छोटी बातें होती होंगी, और हमने जब करके दिखाया दे गॉट कनेक्टेड एंड इवन दे आर बिकॉज दे आर रियल रियल ब्रदर सिस्टर, तो उनके भी जो इनपुट्स आए वो बहुत रियल और बहुत ज़्यादा रियल लगे, तो लोग इसलिए कनेक्ट होते चले गए। सी एक्चुअली स्टेप्स बनाना वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो सब जानते हैं सलमान सर का एक यूनिक डांसिंग स्टाइल है और ऑडियंस लव्स इट। तो पहले दिमाग में बात आती है कि कुछ भी हो जाए एक स्टेप तो चाहिए जो ऐसा हो, और खुद सलमान सर भी बहुत कीन होते हैं कि एक स्टेप ऐसा चाहिए जो पूरे लोग करें। तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वॉज के बहुत स्ट्रिक्ट कबीर सर का एक नरेशन था मुझे बहुत स्ट्रिक्ट के हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्म 1960s और 62 की है, तो उस वक्त के माहौल में जाना पड़ेगा, हम आज के माहौल में रह के नहीं सोच सकते। तो उस वक्त के माहौल में जाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे इंटरनेट पे बहुत कम चीज़ें मिली, लेकिन मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, मेरे डिज़ाइनर्स को बोलकर उस वक्त के चीज़ें कलेक्ट की, कुछ डांस के क्लिप्स कलेक्ट किए, और पुरानी फिल्में देखी मैंने, क्योंकि मैं खुद पुरानी फिल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो 1960, 62, 65 तक की पूरी पुरानी फिल्में देखी हमने, एक दो फिल्में सलमान सर ने खुद सजेस्ट की थी सॉन्ग देखने के लिए, वो देखे, बॉडी लैंग्वेज देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इनका एक कैरेक्टर है फिल्म में, एक यूनिक कैरेक्टर है, दे नॉट लाइक ओनली नॉर्मल हीरो हाई स्पीड में वॉक हो रहा है या क्लोजअप में टर्न कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, यूनिक कैरेक्टर है सलमान सर का और सोहेल सर का, दोनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अब स्टेप्स को उनके कैरेक्टर में ढाल कर दिखाना था, वो बहुत चैलेंजिंग था। और उसके अलावा आज की ऑडियंस ये फिल्म देखेगी उन्हें मायूस नहीं कर सकते ये सोच कर के स्टेप नहीं कर सके हम, क्योंकि उस ज़माने की फिल्म थी या कैरेक्टर को, और नहीं, चैलेंज यही है कि यही कैरेक्टर को ध्यान में रख के आज की ऑडियंस को भी वो स्टेप पसंद आ जाए। तो बहुत छोटी छोटी स्टेप्स को जोड़ा गया, बहुत चीज़ें चेंज की, फिर वापस से किया, ऑप्शंस में काम किया, एंड फाइनली कबीर सर एंड सलमान सर ने जो स्टेप्स पसंद की वो स्टेप्स आज सबको पसंद आए। उनके सलाह मशवरे हमेशा रहते हैं और वो बहुत एप्ट होते हैं, बिकॉज हिज आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर इज़ ब्रिलियंट, और वो स्क्रिप्ट में उनका जो जो उनका नॉलेज है वो भी बहुत बड़ा है। और वी हैव अ डायरेक्टर लाइक कबीर खान जो हमें पता है वो रॉन्ग नहीं जाने देंगे, और सलमान सर का इनपुट आता ही है, तो एक पाँच छः एक स्टेप को मैं पाँच छः तरीके से कोरियोग्राफ करके ले जाती हूँ, एंड देन ही सीज, एंड देन अब कुछ चेंज करने के लिए नहीं तो वो फ़ौरन बोलेंगे लेट्स डू दिस। कई बार उन्होंने ऐसे भी किया है कि अच्छा स्टेप है, जैसे ये वाला स्टेप है, बिल्कुल उन्होंने चेंज नहीं किया, हमने पाँच स्टेप किए उसमें से ये एक स्टेप उन्होंने सिलेक्ट किया, और एक जो पैर वाला स्टेप है वो स्टेप
फिल्म के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो वो स्टेप सलमान सर ने, एक पैर का जो स्टेप था वो एक कैसा कुछ मोमेंट किया जाए, और फिर एक रेफरेंस देखा हमने, और उसके बाद में जो एक फिल्म में भी एक सिचुएशन है जो आपने गाने में देखा है, तिनका तिनका में थिएटर में एक गाना चल रहा है, उसमें एक स्टेप है लेकिन इन्होंने अपनी स्टेप बना ली उस स्टेप को देख के। तो वो मैंने वहाँ से उस स्टेप को देख कर, कोई ऐसा कैरेक्टर कैसे करेगा, तो हमने एक स्टेप कोरियोग्राफ की। बट सलमान सर लव डेंगन, ये दो स्टेप्स जो आज बहुत हिट हुई है, वंडरफुल एक्सपीरियंस हमेशा। और उनके साथ जब मैं काम करती हूँ तो आई कीप माई सेल्फ ऑन माई टोज ऑलवेज, हर बार दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ कोरियोग्राफी, स्टेप्स, और ऐसे किस तरीके से किया जाए कि वो पसंद करे सलमान सर, क्योंकि सलमान सर के पास और भी कोरियोग्राफर्स हैं, और वो हम मुझे जब बुलाते हैं तो उन्हें पता है कि ये काम ये शबीना करेगी, अच्छा ये काम ये कोरियोग्राफर करेगा। तो जब ये सोच के आपको बुलाया जाता है, एंड सलमान खान इज़ कॉलिंग यू, दैट मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है टू गिव माई 200%। और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है हमेशा, क्योंकि वो खुद इतने एनर्जेटिक है, सेट पे आते ही उनकी एनर्जी देखने के लायक होती है, जैसे कि यू नो एक 15-16 साल का या 12 साल का बच्चा है, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं अच्छी तरीके से, और ही अंडरस्टैंड सो वेल एवरीथिंग, एंड वो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुके हैं यू नो। तो ही ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑल्सो हिज नॉलेज इज़ वेरी गुड, और जब भी उनके साथ काम करती हूँ मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया अभी, तो बहुत कुछ करना बाकी है। एंड देन आई ट्राई टू डू माई 200%, क्योंकि फिर वो मुझे फिर से बुलाए और फिर मुझे काम करने का मौका मिले। एक्चुअली मुझे कबीर सर के पास रिकमेंड किया सलमान सर ने, जब इस गाने की सिचुएशन के बारे में बात चल रही थी तो सलमान सर ने मुझे रिकमेंड किया कि शबीना से करवाओ, क्योंकि उन्होंने प्रेम रतन पे 8 गाने किए थे और हर एक सिचुएशन पे एक गाना था। तो सलमान सर ने देखा कि किस तरीके से सूरज भर जाते हैं और के साथ मिलकर यू नो आई डिड जस्टिस टू ऑल द सॉन्ग्स, तो शायद उनके दिमाग में वो बात रही होगी कि शबीना को ये गाना दिया जाए, ये स्टोरी इस तरीके से है, शील अंडरस्टैंड सी एस्पेक्ट्स, बहुत ज़्यादा होते हैं कि किस तरह की कोरियोग्राफी आप वो कर रही हो, कितना स्टोरी समझती हो, कितना कैरेक्टर समझती हो, एंड हाउ एम आई, तो वो सारी चीज़ें एक काम मिलने में इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद जब भी मैं काम करके सलमान सर के साथ निकलती हूँ तो एक नई आग और एक नई भूख लेके निकलती हूँ कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप इससे बेहतर करना है। 3-4 मोर फिल्म्स आर कमिंग, बहुत अच्छे बड़े गाने फिर आने वाले हैं, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अंडर प्रोडक्शन है, नाम अभी कई फिल्म के रखे नहीं, जिसमें से एक का नाम अभी अनाउंस किया है, राम रतन, डेजी शाह का गाना है, वो गाना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, राधा किशन का गाना है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, लाइक आफ्टर प्रेम रतन धन पायो टाइटल सॉन्ग जो था, उतने बड़े रेंज का गाना इंडियन डांस में फिर से आएगा, जिसमें किशन जी के 7 रूप मैंने दिखाए हैं उसमें, तो लोग उनके वो रूप भी देखेंगे जो अब तक देखे नहीं है, शूट हो चुका है। राधा के भी रूप दिखाए, क्योंकि किशन जी जब राधा में समाती थी तो उनके डिफरेंट रूप आ जाते थे, तो वो भी दिखाया है मैंने। और उसके अलावा अक्सर 2 आ रही है अभी, जो मेरी इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी जब मैंने शुरू की तो ये मेरी 3री फिल्म थी, तो अब अक्सर 2 का सीक्वल जरीन खान के साथ, सेम नरेंद्र बजाज, श्याम बजाज, उनके साथ में आ रहा है, वो कर रही हूँ मैं। सो मैनी मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप।